नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब के चैनल दिनेश हेल्थ में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं प्रोटीन जो होता है, तो वो जो है शाकाहारी ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनके अंदर जो है प्रोटीन पाया जाता है। क्योंकि जैसे आपको सभी को पता होगा कि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनको जो है मीट से मिल जाता है, वो अंडे वगैरह खा लेते हैं, तो उनसे जो उनको प्रोटीन के जो है प्राप्ति हो जाती है। लेकिन हमारे इंडिया में सभी जो हैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं। इवन मैं भी जो है एक शाकाहारी हूँ, तो मुझे अभी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो मैं प्रोटीन की पूर्ति कैसे करता हूँ वो जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोटीन जो है हमारे लिए क्यों आवश्यक होता है। दोस्तों, हमारा सेल जो शरीर जो है सभी सेल्स से मिलकर बना होता है, जिनको कोशिकाएँ कहते हैं। तो दिन में जो है हज़ारों कोशिकाएँ बनती हैं, हज़ारों नहीं इसमें लाखों कहेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कोशिकाएं लाखों बनती हैं और वो जो है हर रोज़ जो है बनती हैं और टूटती हैं, तो ये क्रम जो है चलता रहता है, इसी से जो है हमारा शरीर चलता है। तो प्रोटीन जो है इसमें एमिनो एसिड होते हैं, और एमिनो एसिड जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं सेल्स के जो है निर्माण के लिए। तो प्रोटीन अगर आप अच्छा लेते हैं अच्छी क्वांटिटी में, जो एक स्वस्थ पुरुष के लिए क्वांटिटी होती है, वो अगर आप उतना ले लेते हैं तो आपकी स्वास्थ्य जो है अच्छी तरह से बनती हैं, और जो है आपका शरीर का विकास अच्छे से होता है, आपकी मसल्स बनती हैं, आपकी हड्डियां मजबूत बनती हैं, आपका इम्यून सिस्टम होता है वो मजबूत बनता है। क्योंकि आपको अगर एक बात बताऊं तो आपका इम्यून सिस्टम ही है वो भी एक कोशिका ही है, आपकी हड्डियां हैं तो ये भी कोशिकाएं से ही बनी हैं, आपका पाचन तंत्र है तो ये भी कोशिकाओं से ही बना है। तो प्रोटीन की ज़रूरत सबको होती है, तो सब जगह अगर आपको अच्छे से प्रोटीन मिलेगा तो सब जो है अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, और आपकी जो है सभी ऑर्गन जो है लॉन्ग लाइफ जो है सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये बात हो गई दोस्तों प्रोटीन जो है क्यों ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं कि जो वेजिटेरियन लोग जो हैं वो जो है प्रोटीन की जो पूर्ति जो है अपने शरीर में कहाँ से कर सकते हैं, वो ऐसा क्या खा सकते हैं जिससे उनको जो है प्रोटीन की पूर्ति पूरी हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा दालों से, क्योंकि दालें जितनी भी हैं उनमें सभी प्रकार की दालें, चाहे वो तूर दाल हो, चाहे मसूर दाल हो, और जो चाहे वो मूंग की दाल हो, अरहर की हो, किसी प्रकार की दाल हो, उनमें सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन पाया जाता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए दालें जो हैं बहुत अच्छी मानी जाती हैं, दालों का जो है आप सेवन कर सकते हैं। हाँ, आप दालों को जो है रात में थोड़ा नहीं खाएं, क्योंकि ये थोड़ा डाइजेस्ट होने में हेवी होती हैं। तो आप जो है रात को अगर हल्का भोजन खाएँगे दालों को छोड़ के, तो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, और अगर आप दाल खाएंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगी, आपके जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में पड़ी रहेगी, वहाँ पे सड़न पैदा करेगी और जो आपको प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इसलिए आप दाल खाएं, और आप जो है रात को दाल नहीं खाएं, आप बाकी लंच में खा सकते हैं, और आप जो ब्रेकफास्ट में आप दाल ले सकते हैं। इसके अलावा सोयाबीन होता है, सोयाबीन को आप जो है आप ये कह लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो सोया प्रोटीन जो पाया जाता है वो सोयाबीन में ही पाया जाता है। तो आप जो है सोयाबीन को, इसकी सोयाबीन की बढ़ियाँ मिलती हैं, मैं राजस्थान से हूँ तो यहाँ पे बढ़िया मिलती हैं सोयाबीन की, तो आप सोयाबीन की बड़ी खा सकते हैं, या फिर सोयाबीन की सब्ज़ी बना के आप खा सकते हैं, सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसी में पाया जाता है। इसके अलावा वेजिटेरियन की और बात करें तो आप जो हैं दूध होता है, दूध में जो है बहुत अच्छा प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम भी होता है, तो दूध अगर आप सेवन करते हैं तो इससे आपकी प्रोटीन की जो है पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा दूध से बने जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे पनीर ले लीजिए, आप दही ले लीजिए, मक्खन ले लीजिए, आप जो है बटर मिल्क होती हैं, इनमें सभी में जो है आपके प्रोटीन पाया जाता है, तो आप इनका सेवन अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है। खासकर गर्मियों में जो है आप दही और छाछ और मक्खन इनका सेवन करते हैं तो शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा और बात करें दोस्तों तो आपके जो सब्ज़ियाँ होती हैं, कुछ ऐसी सब्ज़ियाँ भी हैं जिनमें जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो सब्ज़ियों की बात करें दोस्तों तो सब्ज़ियों में सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो है, एक तो मटर है, पालक है, और एक होती है शतावरी। तो शतावरी दोस्तों ऐसा है कि ये एक औषधि भी है और सब्जी भी है, तो आपको जिस हिसाब से इसको खाना है आप खा सकते हैं, आप इसकी औषधि के रूप में भी खा सकते हैं, या फिर जो है आप इसका सब्जी बना के भी खा सकते हैं। मैंने शतावरी के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, शतावरी कैसी होती हैं, क्या काम आती है, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर। इसके अलावा दोस्तों मशरूम होता है, फूल गोभी होती हैं, ये जितनी भी सब्जियां हैं इनमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ड्राई फ्रूट होते हैं, ड्राई फ्रूट जो हैं इसमें ड्राई फ्रूट की बात करें तो अखरोट हैं, बादाम हैं, आपके अंजीर हैं, पिस्ता हैं,
इन सभी जो ड्राई फ्रूट हैं इनमें जो है रेजिन्स वगैरह भी हो गए जिनको किशमिश बोलते हैं, इन सभी में जो है प्रोटीन पाया जाता है। तो आप जो है अगर वेजिटेरियन हैं तो ड्राई फ्रूट सेवन कर सकते हैं, इनमें भी जो है बहुत अच्छा प्रोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आपको प्रोटीन ही लेना है तो आप जो है नॉन वेजिटेरियन बनना पड़ेगा आपको, तो ये जो है बहुत गलत धारणा है आपकी। क्योंकि हमारे इंडिया में जो दारा सिंह थे वो वेजिटेरियन थे एकदम, और उनकी आप देख लीजिए कितने अच्छी मसल्स थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको बॉडी बिल्डिंग का शौक है या फिर आपको अगर मसल्स बिल्डअप करनी है तो आपको नॉन वेजिटेरियन होना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप वेजिटेरियन रह के भी जो है अच्छी मसल्स गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, प्रोटीन के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको अगले नए वीडियो में।